ये बादाम रोगन देते हैं, बादाम रोगन, और इससे सिर में मसाज करने से गुस्सा कम हो जाता है। हाँ, ये छोटी छोटी बातें हैं। ये इसी के साथ साथ स्वामी जी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताइए कि मसाज कैसे करनी चाहिए। हाँ, वो भी बताता हूँ। देखो, रात को सोते समय ऐसे पैर के तलवों पर मालिश करनी चाहिए, पादाभ्यंग करने से। ऐसे ये पैर के तलवों पर एक दूसरे पति पत्नी एक दूसरे की कर दिया करें, माँ बाप की बच्चे कर दिया करें, पादाभ्यंग करने से, सिर में मालिश करने से नींद बहुत अच्छी आती है और गुस्सा भी कम हो जाता है और आपस में प्रेम भी बढ़ता है एक दूसरे की सेवा करने से। अब आपने पूछा पॉइंट, देखो ये छोटी उंगली के पास वाली उंगली है, इससे सियाटिका भी दूर होता है, कमर दर्द भी दूर होता है, इससे गुस्सा भी कम हो जाता है, बीपी भी नॉर्मल आता है। तो ये सारे जो पॉइंट हैं, एक तो ये टॉप और इसमें भी ये छोटी उंगली के पास वाली खास, और ये अंगूठा, पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड और ब्रेन, पैर में भी सेम, हाथ के अंदर भी, यहाँ और ये छोटी उंगली की यहाँ दोनों तरफ से, और फिर ये सारे टॉप्स, और फिर अंगूठे के मूल में, इधर से गुस्सा भी कंट्रोल होता है और सिर दर्द भी दूर हो जाता है, नींद भी अच्छी आती है। तो एक दो तीन मुख्य पॉइंट है, एक दो तीन, फिर ये सारे टॉप्स, फिर ये जो पीछे चैनल है, ये दर्द को भी दूर करते हैं, स्ट्रेस को भी दूर करते हैं, गुस्से को भी कंट्रोल करते हैं ये पीछे वाले। फिर ये दो मुख्य पॉइंट हैं यहाँ सामने, दाएं और बाएं और कर्णपट्टी पर, टेम्पल पर, ये दोनों तरफ गड्ढे हैं। यहाँ तेल लगा करके भी ऐसे ऐसे तेल लगा करके ऐसे तेल लगाया और ऐसे भी मसाज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे मसाज भी करते हैं, आपने देखा होगा ऐसे, ये भी ठीक। और फिर एक पॉइंट ये पीछे की ओर है, देखो ये ऐसे गर्दन की भी मसाज करते हैं ये पीछे की तरफ से, और यहाँ पर भी मसाज करने से रिलैक्स भी होता है। एक पीछे पॉइंट है, गड्ढा सा है यहाँ, ये पीछे का मेड्यूला इसको बोलते हैं, ये मेड्यूला पॉइंट। फिर जो है ये सामने से ये दो पॉइंट है, और फिर यहाँ नाक के और आँख के यहाँ मूल में, यहाँ दबाने से ऐसे, इससे भी एकदम गुस्सा भी कम हो जाता है, साइनस भी कम हो जाता है, नींद भी अच्छी आती है। और फिर दो मिनट ऐसे ताली बजा दिया। लेकिन स्वामी जी ऐसा ना करें कि किसी को सामने गुस्सा आ रहा हो और जाके उसकी नाक दबाने लग जाए, पंच पड़ जाएगा मुंह पर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं